नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफलातूनी इमरान के अर्तगुल बनने का सपना खुद उसी मुल्क ने चकनाचूर कर दिया जिसके लिए इमरान ने पूरे पाकिस्तान को बकरी कुदान कराया था। यानी एर्दोगन को तशरीफ दिखाने का हुनर इमरान खान के काम नहीं आ पाया। पाकिस्तान भीख की जो उम्मीदें तुर्की से लगा रहा था उसके लिए एर्दोगन ने एक ही झटके में मना कर दिया है। कंगाली में कटोरा उठाए घूम रहे पाकिस्तान के लिए ये एक असहज स्थिति है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सऊदी के 520 करोड़ डॉलर लौटाने के लिए तुरंत मदद की दरकार है। इसके लिए ब्यान बहादुर शाह महमूद ग्रेसी चीन में मदरसा मुल्क की इंटरनेशनल इंसल्ट कराकर लौट चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को तुर्की से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर एर्दोगन ने किसी चालाक मुल्ला की तरह इमरान को ठुल्ला दिखा दिया। तुर्की द्वारा पाक की मदद से हाथ खींचने के बाद पाकिस्तान के लिए भीख मिलने का अधिकतर दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक दरवाजा कतर के रूप में बचा हुआ है, जहां पिछले हफ्ते कुरैशी कतर राजदूत को मलहम लगाने गए थे। पाकिस्तान के दिनों दिन खराब होते आर्थिक हालात किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। सऊदी अरब ने अप्रत्याशित रूप से पाकिस्तान को झटका देकर उसकी चूल्हे हिला दी है। कुरैशी द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सारी रिश्तेदारी तोड़ दी है। पाकिस्तान को उधार में दिए जा रहे तेल की आपूर्ति भी बंद की जा चुकी है। साथ ही अपने बकाया 5 अरब 20 करोड़ डॉलर को तुरंत वापस करने का फरमान भी जारी कर दिया है। अब पाकिस्तान किसी खाजल कुकुर की तरह तस्वीर प्रकटता घूम रहा है। इमरान ने सातिर मुल्ला की तरह चीन का महिमामंडन करके कुरैशी को भीख मांगने के लिए वांगी की शरण में भेजा था, मगर इस बार चीन ने मदद के बदले गिलगित बाल्टिस्तान को गिरवी रखने की शर्त रख दी है। पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में तुर्की से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की वजह से इमरान ने अरब देशों से पंगा लिया है। इमरान ने एर्दोगन के सामने $2 बिलियन की भीख की गुहार लगाई थी। इसके लिए पिछले 1.5 महीने से बाकायदा एर्दोगन की पीठ पर इमरान मक्खन का लेप करने पर लगे थे, लेकिन कल तुर्की की तरफ से स्पष्ट संदेश आ गया जिसमें पाकिस्तान को बताया गया है कि कोरोना आपदा के चलते वह पाकिस्तान की मदद करने में समर्थ नहीं है। भविष्य में हालात ठीक हुए तो तुर्की अपने मित्र देश की हर संभव सहायता जरूर करेगा। यानी मुल्ला नीति केवल पाकिस्तान के मदरसों का ही अध्याय नहीं है, यह तुर्की में भी बड़े पैमाने पर सिखाई जाती है। तुर्की जानता है कि इस भुखारी मुल्क की हालत $1000 लौटाने तक की नहीं है। यह $2 बिलियन कैसे वापस कर पाएगा? खुद तुर्की को भी 2021 तक जर्मनी और अमेरिकन बैंकों का $10 अरब लौटाना है। ऐसे में तुर्की के खुद ही बाजे बज रहे हैं। पाकिस्तान को कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर लगभग $112 अरब का भारी भरकम कर्ज है। उसे इसी साल के अंत तक $11 अरब की अदायगी करनी है, जिसमें $3 अरब 21 करोड़ चीन को चुकाना है, जबकि बिजली कंपनियों की $8 अरब के करीब देनदारी है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी $520 करोड़ का मुसल इमरान को चढ़ा रखा है, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान की इसी साल में देनदारी बढ़कर $16 अरब के करीब पहुंच गई है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र $12 अरब ही शेष है, जिनमें से अधिकांश रकम कर्ज लेकर इकट्ठी की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मुद्रा भंडार में सऊदी अरब से उधार खरीदे गए तेल को बेचकर जो पैसा पाकिस्तान ने जुटाया वह भी इसी खजाने में डाला हुआ है। इसी विदेशी मुद्रा भंडार की बदौलत पाकिस्तान अपने आयात को जैसे तैसे संभाल पा रहा है। अगर पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालकर सऊदी को चुकाता है तो उसका आयात शेड्यूल बुरी तरह डगमगा जाएगा और मदरसा कौम में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की उम्मीदें ले देकर कतर पर टिक गई है। भीख की आस में पूरी मुल्ला कौम ने कतर की पीठ खुजाना शुरू कर दी है। पाक सरकार ने मीडिया को मौखिक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती पर अच्छे गीत गाए जाएं, जिससे कंगाल पाकिस्तान के अच्छे दिन की उम्मीद बढ़ जाए। यानी मदरसा मुल्क के धूर्त मुल्ला अपनी धूर्तता का प्रदर्शन करने के लिए तैमद लहराने और गधैया नृत्य की तैयारी कर रहे हैं, मगर कतर से पाकिस्तान को मदद मिल पाएगी इसकी उम्मीद न के बराबर है। भारत की मोदी सरकार ने कतर और भारत के रिश्ते शिखर पर पहुंचा दिए हैं। जानकर हैरानी होगी कि भारत के अधिकारी जब चाहे बगैर वीजा कतर में पहुंच सकते हैं। यहां भारतीय कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लगातार मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों का कतर में घुसना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान से सिर्फ मजदूर मुल्ला ही यहां ज्यादा पहुंचते रहे हैं, जो भारत और कतर के संयुक्त उपक्रमों में बेलदारी जैसे काम करते हैं।
यानी मोदी सरकार भीतर खाने कतर के शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से जरूर संपर्क में होगी। पाकिस्तान को घेरने के लिए मोदी सरकार इन देशों को यह समझाने में कामयाब रही है कि पाकिस्तान अवाम के नाम पर जो मदद हासिल करता है उसका अधिकांश अंश वह आतंकियों पर खर्च कर देता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की कारगुजारियों के तमाम सबूत उन देशों को पहले उपलब्ध कराए हुए हैं जो उसे मुश्किल वक्त में कर्ज देते रहे हैं। संभव है कि अब तक यह संदेश कतर तक भी जरूर पहुंच गया होगा, इसलिए भारत और कतर के मजबूत रिश्तों के चलते पाकिस्तान को यहां से मदद मिलने की संभावना बहुत ही मामूली है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान ने कतर से भी $2 अरब की सहायता गुहार लगाई है। उसने इसके लिए फिर से मदरसा नीति का सहारा लिया है। पाक जानता है कि सऊदी अरब और कतर के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। जब तक उसको सऊदी से मेलजोल बना था उसने कतर को ज्यादा भाव नहीं दिया था, मगर जैसे ही दोनों देशों में खटास बढ़ी पाक झट से कतर की तरफ जीभ लपलपाने लग गया। मगर कतर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क है। जनवरी 2019 में कतर के शेख तमीम बिन अहमद ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने $3 अरब की मदद की घोषणा की थी। इसके बदले में पाकिस्तान ने व्यापार को बढ़ावा देने, काले धन पर रोक लगाने के अलावा आतंकी फंडिंग को रोकने की मदद का आश्वासन दिया था। आखिरी की शर्त भारत की तरफ से कतर को संदेश देने के बाद जोड़ी गई थी, मगर मतलब के वक्त पूछ हिलाने वाला मदरसा मुल्क $3 अरब मिलते ही किसी भी शर्त का पालन नहीं कर सका, जिससे कतर भी पाकिस्तान पर बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। क्योंकि जनवरी में कतर से मदद मिलते ही फरवरी में भारत में पुलवामा हो गया, जिसके बाद भारत ने कतर को इसकी शिकायत की थी। कतर तभी से पाकिस्तान से खार खाए बैठा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इस रकम का सूद भी नहीं चुका पाया है और इसके लिए भी मोहलत मांग रहा है, यानी इस बार कतर से भीख की उसकी उम्मीदें टूटने वाली है। तुर्की और चीन पाकिस्तान को चूना लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयास में जुटे हैं, जबकि इमरान लोंडा इन देशों के झांसे में आकर अपनी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर चुका है। तुर्की की वजह से सऊदी से अपने संबंधों को बलि देकर पाक ने खामियाजा भुगत लिया, जबकि चीन के कारण वह कर्जों के मकर जाल में उलझा पड़ा है। जिन खाड़ी देशों ने उसका कठिन घड़ी में दामन बचाया इस बार उसके तार तार होने की घड़ी चल रही है। इन हालातों में पाकिस्तान में दो ही काम हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान की जमीन गिरवी रखने की शुरुआत होगी या फिर पहले से ही महंगाई बेरोजगारी से बिलबिला रहे टोपीबाज और भी बड़े संकट में फंस जाएंगे। मतलब आतंकवाद की फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होने की बजाय बढ़ने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।